बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। और इन दोनों हालतों में भी जो असल हालत है वो सब्र की हालत है, इसलिए कि सब्र हर हाल में, यहाँ तक कि अगर इंसान की तबीयत के मुआफिक हालत है उस मुआफिक हालत में भी सब्र की ज़रूरत है। शुक्र के साथ साथ सब्र की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर मुसीबत की हालत है तो वहाँ तो ये सब्र करेगा ही, लेकिन अगर नेमत की हालत है तो नेमत की हालत में भी शुक्र के साथ साथ सब्र ही का तकाजा होगा। इसलिए कि नेमत की हालत में इस बात का सब्र करे कि जो नेमतें अल्लाह तबारक व ताला ने उसको अता किए हैं, इन नेमतों को बेबहा इस्तेमाल नहीं करता, इन नेमतों को अल्लाह की सरकशी में इस्तेमाल नहीं करता, इसको अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसके अंदर भी सब्र तहम्मुल के साथ उन नेमतों को इस्तेमाल करता है कि जो नेमतों के इस्तेमाल का हक है, माल है तो माल के इस्तेमाल का जो हक है उस हक और हुदूद के मुताबिक उस माल को इस्तेमाल करता है, ये नहीं कि हुदूद से जावज करके उस माल को इसराफ या तबजीर के अंदर डाल दे, ये वहां से भी सबर करता है, तो गोया कि नेमत की हालत में भी इस इंसान से सबर ही मतलूब है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में वबशरी साबरीन फरमाया, क्या पैगंबर सबर करने वालों को बशारत दे दीजिए, इनको खुशखबरियां सुना दीजिए, क्यों? इसलिए कि ये वो लोग हैं कि उलाइक अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम, के उनके रब की तरफ से इनके लिए शाबाशें हैं, इतनी शाबाशें हैं, इतनी इनायतें हैं कि उसको शुमार नहीं कर सकते। वरहमा, और अल्लाह तबारक व ताला की इतनी रहमतें इनके लिए हैं कि उसको शुमार में नहीं ला सकते हैं, इसलिए कि इन्होंने सब्र किया है, क्योंकि सब्र एक ऐसी हालत है कि जैसे कि मैंने अर्ज किया कि ये नेमत में भी और मुसीबत में भी दोनों हालतों में भी सब्र अल्लाह तबारक व ताला को मतलूब है।